आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बस 5 मिनट में बन जाने वाला बहुत ही टेस्टी ड्रिंक की रेसिपी। ये मॉकटेल आपको अधिकतर रेस्टोरेंट्स में मिलता होगा, लेकिन आप यहाँ जानेंगे कितनी आसानी से ये बन जाता है। तो करीब 3 टेबलस्पून स्ट्रॉबेरी क्रश यहाँ ले लूँगी ग्लास में, और फिर इसी के साथ ले लेना है 3 टेबलस्पून रोज़ सिरप, या तो फिर आप रो अफ़ज़ा भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ये रेसिपी अचानक से मेरे दिमाग में आई और मैंने कोशिश की इसे क्रिएट करने की। बहुत ही अच्छा बना, बहुत ही टेस्टी रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बनाइए। आप चाहें तो इन सारी चीज़ों को एक ब्लेंडर में लेकर भी ब्लेंड कर सकते हैं। ब्लेंडर में अगर ब्लेंड कर रहे हैं तो 3 से 4 आइस क्यूब्स डाल दें, जिससे कि ये मॉकटेल बहुत ही चिल्ड बनेगा। और फिर यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ें डाल दी हैं, तो यहाँ पर अब मैं डाल दूँगी 3 से 4 बूंद वनीला एसेंस, और साथ ही साथ डाल देना है 1 बड़ा स्कूप वनीला आइसक्रीम का। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से फेंट लें, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इनको फेंटने में, अच्छे से फेंट कर। और फिर इसमें मैं डाल दूँगी सोडा वाटर। सोडा वाटर से एक पंच आएगा, जो हम मॉकटेल्स पीते हैं और हमें जो हल्का सा पंच मिलता है नॉन अल्कोहलिक मॉकटेल्स में, बिल्कुल उसी तरीके का टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लें, आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा आइसक्रीम को मेल्ट होने में। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद ऊपर से इसे टॉपिंग के तौर पर डाल दूँगी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम और वनीला आइसक्रीम। आइसक्रीम यहाँ ऊपर से टॉपिंग के तौर पर जो डालते हैं वो ऑप्शनल है, आप सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से ब्लेंड करके और फिर इसे एकदम रेस्टोरेंट की तरह ग्लास को सजा कर ठंडा ठंडा सर्व कर सकते हैं। देखिए ऊपर से थोड़ा सा मैंने रोज़ सिरप और डाल दिया है, गार्निश कर लिया, पुदीने के पत्ते से गार्निश कर लिया, तो दिखने में कितना टेम्पटिंग दिख रहा है ये। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।